नमस्कार दोस्तों, हमारे अपनी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 9 जून का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, पहले 9 जून का जो है इतिहास जान लेते हैं। 9 जून 1659 को दादर के बलूची प्रमुख जीवन खान ने धोखे से मुगल शहजादे दारा सिकोह को औरंगजेब के हवाले कर दिया था। 2008 को 9 जून को केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र प्रशासन ने चंडीगढ़ को तंबाकू मुक्त जो है घोषित किया। वहीं फ्रेंड्स, 9 जून 1949 को भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी जी का जन्म हुआ। फ्रेंड्स, 1964 को ही 9 जून को लाल बहादुर शास्त्री जी के जीप जो है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। वहीं फ्रेंड्स, सन 1900 में 9 जून को आदिवासी नेता और लोक नायक बिरसा मुंडा जी का निधन हुआ। ये फ्रेंड्स इतिहास था। अब दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये 9 जून को जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों, ये चंडीगढ़ में बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास एक्स संप्रीति एक्स का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो दोस्तों, ये 5 से 16 जून के बीच में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाएंगे? तो फ्रेंड्स, 1 जुलाई से लगाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6 रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस सेवाओं को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, महाराष्ट्र ने ऐसा निर्णय लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे दोस्तों देखते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल क्रांति लाने के लिए भारत का पहला कियावर्स नामक बैंकिंग मेटावर्स को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, kia.ai ने किया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने भारत के किस राज्य को दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी है? तो दोस्तों, सिक्किम को मान्यता दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, ये दिल्ली सरकार ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार ने 2021-22 के लिए EPFO जमा पर कितने प्रतिशत ब्याज देने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, ये 8.1% पर ब्याज देने की घोषणा की है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डाक विभाग की घर-घर सेवाओं के माध्यम से पेंशन भोगियों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए डिजिटल पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एक समझौता किया है? तो दोस्तों, ऐसा तमिलनाडु की सरकार ने किया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जो मैंने आपको बताए हैं। धन्यवाद।